तो हमारे बीच में है गौरव सोलंकी, ओनर, और उनके छोटे भाई ऋषि जी भी अवेलेबल है। एक क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा था कि आज के दिन पूरे भारत में जो लोग हैं ग्रुप के अंदर क्यों राइड करते हैं, इससे उनको क्या मिलता है। तो आपको इस चीज का आंसर इसी ब्लॉग के अंदर मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखना। तो गाइस अभी है पायरेट्स कैफे के अंदर, एक्सट्रीम राइडर्स ने अभी ऑर्गेनाइज की है अपने 15 अगस्त की राइड। चलो आपसे मैं मिलवा देता हूँ। ये है ऋषि भाई, लोकेश, अब्दुल्ला और भी काफ़ी राइडर्स हैं जो कि नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो सबसे मिलेंगे और एक बहुत अच्छी राइड होने वाली है। और साथ में है अक्षत जो कि अभी कैमरा हैंडल करने वाला है। तो अभी यहाँ पर फ्लैग होस्ट होगा, फिर वहाँ से बाहर चलेंगे, फिर राइड स्टार्ट होगी। कहाँ पर चलने वाले अपन? अपन यहाँ से चलेंगे रोहित से पहले वाले टोल टैक्स पे, और वहाँ से वापस यू टर्न लेके बेनेली के शोरूम, और वहाँ से तो टोटल कितने राइडर्स अपन यहाँ पर? 50+ तो फॉर श्योर 50+ राइडर्स, मजा आने वाला है, टोटली एक्सट्रीम राइड होने वाला है। मजा आना शुरू हो गया। ठीक है, चलो करते स्टार्ट। तो काफी सारे राइडर्स आ गए हैं और अभी कई लोग आने बाकी है। इन भाई साहब का है ये, कैसे क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, कैसे आप? बस एकदम बढ़िया। और आज आप आए हम लोगों को ज्वाइन किया। अरे बहुत टाइम बाद में राइड हो रही है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग सारे के सारे राइड के कुछ बेसिक रूल्स है वो फॉलो करेंगे। आज हमारे साथ में बेनेली शोरूम के ओनर है मिस्टर आसिफ अंसारी और उनके जनरल मैनेजर संदीप जी, एंड ऑन बिहाफ ऑफ एक्सट्रीम राइडर्स मुजाहिद भाई, लोकेश, ऋषि भाई, विक्रम, अब्दुल्ला और मैं, आप सबको यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइड एक अच्छा पैशन है ब्रदरहुड फॉलो करने के लिए, बट बी इंश्योर कि आप जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करें। राइट, सारे के सारे एक लाइन के अंदर चलेंगे। पेट्रोलिंग की दो तो जैसा आप लोगों ने देखा कि नासिर ने सबके बारे में इंट्रो दिया और राइड के बारे में बताया कि किस टाइप से आपको राइड में चलना है और कहाँ पर ये राइड जाकर ओवर होगी। और इसके बाद में मेरी बारी आई, मैं यहाँ पर ऐसा गेस्ट राइडर था तो नासिर ने मेरे को भी इनवाइट किया स्टेज पे। राइडिंग कम्युनिटी के अंदर एक अलग पैशन फॉलो करने वाले हमारे बीच में आज मौजूद हैं मिस्टर गौरव सोलंकी, जो कि एज ए स्टंट राइडर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं गौरव भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और स्टंट राइडिंग के बारे में कुछ छोटी सी ब्रीफ दे आप लोगों को, ताकि जो स्टंट के बारे में सीखना चाहे या जानना चाहे वो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव सोलंकी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एक्सट्रीम राइडर्स का मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, मैं काफ़ी पुराना राइडर हूँ। स्टंट राइडिंग को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, एक जो है ना रोड पे जो चवन्नागिरी से लेकर एक प्रोफेशनल लेवल पे भी चीज़ मैंने देखी है। तो सबसे मेरा ये निवेदन है कि जहाँ पर भी राइड होती है तो आप सेफली राइड करें, वहाँ पर व्हीली करना अटैम्प्ट बिल्कुल भी ट्राई ना करें। व्हीली करने से आप खुद तो कुछ कर सकते हैं, अपने आपको हर्ट, दूसरों को भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है प्लस मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नाम से। ये थैंक यू। एक मेरे मित्र हैं जिनका अभी रिसेंटली असिस्टेंट जुडिशियल में सिलेक्शन हुआ है, मिस्टर हिंगलाज चारण, मैं चाहूँगा वो कुछ आके अपना वक्तव्य दे। इन सर ने आकर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीच दी, इनकी स्पीच को मैं कट नहीं करना चाहता बट वीडियो क्या काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि भारत ने आज़ादी से लेकर के अभी तक जो तरक्की की है आपको उस चीज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उसकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपकी जो ड्यूटीज़ है उसको आपको समझना चाहिए और इसी में देश की तरक्की हो सकती है। सो लेट्स लीव इट, लेट्स लीव इट लाइक इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट। एंड आप लोगों का एक सीन होता है कि राइडर्स जो है उनको सर स्पेशली यूथ देखती है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, मुझे नहीं मालूम था इतने सारे ब्रांड्स भी होते हैं बाइक्स के, आई बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है देखने में, है ना। आप लोग नज़ीर बन सकते हैं, आँख बंद करके कुछ भी फॉलो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट, गो आउट एंड वोट, दीज आर योर ड्यूटीज, लेट्स डू आर वर्क फॉर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, राइड सेफ, हैव फन। फिर फ्लैग होस्ट करने के बाद में हम लोग निकल गए राइड के लिए। माता के जय।
सो गाइस अब जो राइड है वो स्टार्ट होने वाली है पायरेट्स कैफ़े से। बेनिली ने यहाँ पर सपोर्ट किया है इस राइड को और यहाँ से राइड जाएगी अभी फर्स्ट जो टोल आएगा जोधपुर का, देन वहाँ से वापस रिटर्न होकर के बेनिली के शोरूम जाएंगे। वहाँ पर बाइक्स देखेंगे कौन कौन सी है इनके पास में, टी आर के, सेवासंग वगैरह जो भी है। सो गाइस क्या समझ में आया, क्या आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिला व्हाई वी राइड? अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए इसको लेकर के मैं अपनी फीलिंग्स आज जाहिर कर देता हूँ व्हाई वी राइड। सो देश, भारत, फ्रीडम, आज़ादी, ये जो वर्ड्स जो है ना इंग्लिश हिंदी वाली जो वर्ड्स है, इसमें एक जो वर्ड है वो है फ्रीडम। इससे आपको क्या चीज़ मिलती है जब आप बाइक राइड करते हैं? आपको एक फ्रीडम का एहसास होता है। आपने वो कोट सुना होगा, फोर व्हील्स मूव द बॉडी, टू व्हील्स मूव द सोल। तो इसके पीछे भी कारण है और जो इंसान बाइक चलाता है उसको ये चीज़ बिल्कुल फील होती है। वन नेशन वन राइड, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिटी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील आ रहा है इस राइड के अंदर। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, एजुकेटेड लोग हैं। अब बाइकिंग ब्रदरहुड क्या होता है? हम लोग यहाँ पर किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं रखते हैं, भले ही वो कास्ट रिलीजन को लेकर कहें। एक बाइकर दूसरे बाइकर का रेस्पेक्ट करता है और ये वाली जो चीज़ है ये आपको पक्का फील हो जाएगी जब आप लद्दाख या स्पीति वैली की राइड करेंगे। और बाइक राइड करने से आपको तो अच्छा लगता ही है, प्लस आप एक एनर्जी जो है, एक पावरफुल एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें देखिए, इस क्लिप के अंदर जो ये अंकल है ये हमारे ग्रुप का नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि कैसे एक एनर्जी इनके अंदर भी ट्रांसफ़र हो रही है। देशी भाई, मोटरसाइकिल को देखा जाता है सिंबल ऑफ फ्रीडम की तरह, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ को ब्रेक करें, पब्लिक रोड्स पर व्हीलीज करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा और नहीं ऐसा कोई चाहता है। जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि यूथ को और आम लोगों को अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा, तो ये पूरा जो टोटल ओवरऑल जो चीज़ बनती है, ये जो ऑरा बनता है, ये बाइकिंग ब्रदरहुड होता है। इसलिए हम लोग क्या है राइड करते हैं, शायद आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो टोल गेट जो है पर्थ टोल गेट ही आ गया है, यहाँ से वापस यू टर्न लेना है और यहाँ पर जो टोल गेट पे जो लोग हैं वो देख करके बिल्कुल एकदम हैरतअंगेज होने वाले हैं कि इतने सारे राइडर्स कैसे आ गए। बट हम लोग साइड से निकल जाएंगे चुपचाप, यही तो एडवांटेज है बाइक का। यही है, हाँ रेप रेप करके बताओ ना एक बार। ये है नीतू मैम, और मैम कब से आप राइड वगैरह कर रहे हैं अभी? हाँ जी, आई एम नीतू सिंह परिहार, एक्चुअली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एंड फैकल्टी इन एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। सो बेसिकली आई एम राइडिंग फ्रॉम पास्ट 10 टू 15 इयर्स इन चंडीगढ़। सो माय फादर इज इन डिफेंस, सो आई हैव रोम्ड इन ऑल इंडिया। सो जहाँ जहाँ जाती हूँ, केरला मेरे को मेरे काम होता है तो वहाँ पे भी राइड किया, वालपराई। आपको जो होम टाउन है वो बेसिकली क्या, जोधपुर? बेसिकली इज जालोर। ओके, जालोर। ड्यू टू डिफेंस बैकग्राउंड सो आई हैव रोम्ड। तो आपका जो राइड का कब से पैशन हुआ, मतलब ऑलरेडी फैमिली के थ्रू हो रहा है या फिर? यस यस, बिकॉज़ ऑफ ब्लड वो है ना, डिफेंस वाला है, कुछ ना कुछ एक्सट्रीम अलग करना है, तो इसकी वजह से आई हैव स्टार्टेड। एंड माय फादर वंस टोल्ड यू हैव अ बाइक, क्योंकि पापा का वहाँ से ट्रांसफर हो गया था चंडीगढ़, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास बाइक है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन पे बताया ना, आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने किसी से नहीं सीखी। ग्रेट। तो मतलब जोधपुर के अंदर जब आप यहाँ पर होते हो जोधपुर में, तो जोधपुर में कहाँ राइड करते हो, मतलब एक्सट्रीम राइड राइडर साथ में पहला राइड है या फिर और भी? नहीं नहीं, आई यूज्ड टू डू, एक्चुअली आई एम अ पार्ट ऑफ फिमा इंडिया, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, वुमेन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एसोसिएशन। ग्रेट, ग्रेट। सो आई राइड विद देम, आई एम अ मेंबर ऑफ इट। सो वी यूज्ड टू डू राइड्स इन आवर सिटी बिकॉज ऑफ द होल वर्ल्ड, वी यूज्ड टू डू इन अ डिफरेंट पैचेस, लाइक वेयर एवर यू आर यू हैव टू डू अ राइड, यू हैव टू पोस्ट इट एंड यू विल बी कनेक्टेड टू द आपने कहाँ कहाँ तक लद्दाख? Actually, we have done Chandigarh to Shimla in Kerala route also. I have ran for some Lattak time. Coimbatore also, sir. Lattak ride नहीं हुआ अभी तक? Lattak अभी तक नहीं हुआ. Due to my research works, I don't use to go for a long rides basically. But yeah, it's a passion. So side by side, I use to do.
किश्तों में राइड करती हूँ नॉट इनफ वन गो. तो नाइस टू मीट यू मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके. फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत फोटो सेशन किया हम लोगों ने, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए बेनेली के शोरूम की तरफ. अब बस अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. चलो ठीक है, अंदर ना ऊपर रिफ्रेशमेंट है. हाँ ठीक है, आप बीच में इंटरप्ट कर दे मेरे को, सॉरी. सो गाइस अभी आ गए हैं जोधपुर के बेनेली के शोरूम पे, और अंदर चलकर देखते हैं कि कौन कौन सी बाइक्स इनके पास में अभी है. काफ़ी अच्छा खोला है इन्होंने शोरूम, बाहर से आप देख सकते हैं. हमारे बीच में है गौरव सोलंकी, नासिर भाई, स्टंट राइडर, जोधपुर की शान जान और बस 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 हो गया. मेरा गुलाब जामुन चुरा लिया किसी ने. सो व्हाट्स अप गाइस, हो गया आई स्टार्ट कर रहा हूं. सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं? पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज हम पायरेट्स कैफे से डायरेक्ट शुरू करके रोहट से होते हुए बेनेली के शोरूम आए हैं. ये शोरूम अभी रिसेंटली हमारे जोधपुर में खुला है 2 वीक्स पहले. यहाँ पे आपको बेनेली एंड कीवे की बाइक्स एंड स्कूटर्स सारे मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे. ग्लेड के जोधपुर के अंदर हमारा बेनेली आगे आने वाले टाइम में और भी बड़े शोरूम्स आ जाएंगे. थैंक यू सर. जो मेन जो ओनर है उनसे तो मिलवा दो. बिल्कुल, हमारे बीच में यहाँ के ओनर और उनके छोटे भाई ऋषि जी भी अवेलेबल है. आशीष, मैं आशीष भाई छोटा भाई मान लो इसको, ऋषि को. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इसने जो साथ दिया ना मेरा, कसम से आप लोगों के लिए मैं बहुत खुशियाँ भर के और भी चीज़ें लेके आने वाला हूँ. अभी अभी फिलहाल के लिए तो जो जो ये सरप्राइज रहेगा आपके लिए वो अपने लिए गिफ्ट है. हाँ, आप उसको ले जाइए और चलाएंगे. नो पेमेंट, नो ईएमआई, गाड़ी आप ले जाइए. ऋषि भाई चलवाएंगे. अभी कौन कौन सी बाइक सबने आप अवेलेबल है? आपको उसकी गाड़ियों के बारे में बता देता हूँ. 125 SR की जो है वो आपके यंग क्लासिक लुक देता है, और उसके बाद में उससे थोड़ा सा हायर रेंज में जाएंगे तो 2 लैक्स में वो आएगी 250 SR की. फिर उसके बाद में N300 आएगी, वो आएगी 3 लैक्स के अबाउ. हमारे पास 60s मॉडल एक स्कूटर है, उसकी तरफ आप देखेंगे तो वो भी पुराना क्लासिक लुक देता है. अगर ये पर्सनली मिलेंगे तो जानेंगे कि उनके पास में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं. मैं आपको सुपर बाइक्स के बारे में और भी कुछ नहीं सरप्राइज दूंगा, जो मेरे पास प्रोडक्ट और नए आने वाले. बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में बता दूंगा. बिल्कुल ठीक है. वापस आगे मैं अपना इंट्रो देने के लिए वहाँ पर बता रहे थे कि यही था, तो वापस देता हूँ. मेरा नाम गौरव सोलंकी, नमस्कार. आप सबसे मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. अब सब लोग यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो मेरे को इसलिए बात करनी पड़ेगी. मैंने पीजी कर रखा है, एमबीए कर रखा है, कुछ पास आउट हुआ है. कुछ टाइम तक मैंने जॉब की थी, जॉब छोड़ी और मैं पास आउट हो रहा हूँ अपने पैशन को लेकर के. मेरा जो गेम स्टूडियो है और लाइब्रेरी वगैरह ट्रैवल करना है, जो भी काम करता है मेरा वो सब चल रहा है. प्लस क्या है कि अगर मैं बाइक की बात करूँ तो मैं बहुत ही पुराना राइडर हूँ जोधपुर का. ऑटोमोबाइल में कुछ 30 ईयर्स हो गए हैं फिर ट्रैकिंग करते हुए. संदीप सर जानते हैं स्टार्टिंग से मैं तो, और काफ़ी कंपनी के लिए मैंने काम किया है. माउंटेन की होंडा बहुत सारी बहुत कंपनीज है, और सही ट्रैकिंग करने के अलावा जो चीज़ मैं करता हूँ वही मैं राइड करता हूँ. आज मैं राइड करने का पागलपन चालू हो चुका है. तो सोलो राइड मैंने की लद्दाख में, सोलो राइड 2021 के अंदर, और रिसेंटली मैं अप्रैल भाव में आकर के आया हूँ. चल रहा है, काम भी चल रहा है, पैसे भी चल रहा है, और बड़े मजा आ रहे हैं. तो कुछ ऐसी रही आज की राइड, बड़े ही मजा आया मुझे. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना. अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना ना भूलें. राइड सेफ, स्टंट हार्ड.